नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कन्या राशि वालों, मित्रों, दिनांक 18 जून 2023 से मित्रों आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। और यह चमत्कार मित्रों आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। लेकिन हाँ मित्रों, इस चमत्कार के पीछे कुछ ऐसे भेद भी हैं जो आज इस वीडियो में खुलेंगे। बहुत खास वीडियो होने वाली है। एक एक बात को बड़े ही ध्यान से समझना, एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनना मित्रों, क्योंकि हमारे गुरुजी ने बड़ी ही मेहनत से आप सभी के लिए इस विशेष वीडियो का निर्माण किया है। मित्रों सबसे पहले तो सिर्फ वही भक्त इस वीडियो को लाइक करें जो अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं। और कमेंट बॉक्स में मित्रों 7 बार ओम शनिश्चराय नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको जो बात बताने वाले हैं वह सभी बातें होगी समस्त ग्रह गोचर की चाल के आधार पर। अब मित्रों यह बातें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे दिन का सवाल है मित्रों, और आप भी जानने के लिए बड़े ही उत्सुक हो रहे होंगे। इस वीडियो में हम आपको वो सभी बातें बताएंगे मित्रों जो आपके जीवन में घटने वाली है। जी हाँ, तो चलिए आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं हम गुरुजी के छोटे से चमत्कारी उपाय से। मित्रों यह उपाय मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपकी जिंदगी बदल देगा। कई बार हमें कमेंट बॉक्स में बहुत से जातकों ने पूछा है कि गुरुजी हमारे घर में बरकत नहीं रहती है, ग्रह कलेश बने रहते हैं। तो आइए मित्रों इन्हें दूर करने का एक छोटा सा उपाय जान लेते हैं, उसके बाद राशि फल की ओर बढ़ते हैं। तो मित्रों अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष या ग्रह बाधा है जिसके कारण आपको जीवन में तरक्की प्राप्त नहीं हो रही हो, तो लगातार 3 शनिवार संध्या समय में पीपल की जड़ में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करते हुए 7 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से हर ग्रह बाधा और ग्रह दोष शांत होता है और जीवन में उन्नति, तरक्की, घर में बरकत, खुशहाली, समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो मित्रों इस उपाय को अपने जीवन में आप एक बार जरूर आजमाइएगा। तो बढ़ते हैं अब 24 घंटों के समय अंतराल की ओर। मित्रों समय बहुत शुभ चल रहा है, इस समय का सदुपयोग आपको करना होगा और जीवन में थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाकर रखना होगा। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि मित्रों इस वक्त बेकार के विवादों से दूर रहें और पूर्व में कोई अटकी हुई योजना में बहुत जल्दी मित्रों तेजी आ सकती है। साथ ही आपके नेतृत्व में कोई विशेष गतिविधि भी संपन्न होगी। मित्रों इस नेतृत्व के दौरान आपको सबका साथ मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। साथ ही अधिक से अधिक समय अपने परिजनों के साथ व्यतीत करने का प्रयास करें। ज्यादा से ज्यादा समय अपनों के साथ बिताना है मित्रों, और घर में कोई धार्मिक आयोजन भी इस वक्त संभव है। घर में मित्रों आपको मधुर व्यवहार बनाकर रखना है और कोई धार्मिक कार्यक्रम आप करें मित्रों, जैसे कि सुंदरकांड का पाठ हो गया, सत्यनारायण भगवान की पूजा हो गई, या फिर ग्रह शांति हवन हो गया। हमारे गुरुजी बताते हैं कि सप्ताह में या फिर महीने में कम से कम एक बार घर में कुछ धार्मिक कार्यक्रम जरूर करने चाहिए, जिससे घर में
शांति बनी रहे और माहौल घर का सुखद बना रहे। साथ ही कोई भी वाद विवाद की स्थिति अगर जीवन में बनती है तो शांत बने रहना ही सबसे उचित है मित्रों, क्योंकि आप भी बोलेंगे, सामने वाला भी बोलेगा, इससे बातें बिगड़ेगी। बातें सुलझने की जगह आपको बातों को सुलझाना है, ना कि बातों को और बिगाड़ना है। और हाँ, उत्तेजना से समस्या और अधिक बढ़ सकती है मित्रों। किराएदारी संबंधित मामले सुलझने में अभी समय लगेगा और रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में पैसा लगाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि रिस्क लेना इस वक्त आपके लिए मित्रों सही नहीं है। रिस्क ले भी रहे हैं तो छोटी मोटी रिस्क लें, ऐसा नहीं कि बड़ा हाथ मारे और लंबे पैर फैलाएं। जितने चादर हैं उतनी पैर फैलाएंगे तो जीवन में बहुत खुश रहेंगे। और आपको बता देते हैं कि भविष्य से जुड़ी योजनाओं पर काम करने के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। करियर और कार्य क्षेत्र में बेहतरीन के लिए की गई कोशिशों में आपको सफलता मिलेगी मित्रों। सरकारी सेवारत लोग पब्लिक प्लेयर्स पर व्यर्थ के बाद विवाद में पड़ने से मुश्किल में पड़ सकते हैं, इसलिए सरकारी सेवारत लोग ध्यान रखें आपके ऊपर। आम जनता का थोड़ा सा आक्रोश बना रहेगा, आपको ठंडे दिमाग से काम लेना है, सोच समझकर आपको सबकी बातों का जवाब देना है, नहीं तो आप घेरे में आ सकते हैं लोगों के। अपने अधिकारियों के साथ आपको संबंध मधुर बनाकर रखना है, अपने अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना है, जैसा वे कहे वैसा आप करें मित्रों। और घर में आप अगर नवीनीकरण से संबंधित कोई योजना बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं मित्रों। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने के लिए कुछ दुश्मन आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि धैर्य और संयम जीवन में बनाए रखना बहुत जरूरी है। वैवाहिक संबंध सुखद और खुशनुमा रहेंगे और प्रेम संबंधों में भी मित्रों नज़दीकियां बनी रहेगी। मौसम की वजह से कमजोरी और आलस बनी रहेगी। आराम लें तथा संतुलित खान पान रखें मित्रों। नए जीवन में नए कार्य आपको शोभा देते हैं, आप वही करें जो आपका मन करे, लोगों की बातों में ना आए, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। मित्रों आइए अब हम आपको बताते हैं कुछ चमत्कारी उपाय जो आपके जीवन में सुख के द्वार खोल देंगे मित्रों। कर्ज मुक्ति के बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं, ध्यान से सुनिएगा कि आपको क्या करना है मित्रों। ज्योतिष शास्त्र में शनिवार के दिन को काफ़ी अधिक अहम माना गया है, और अगर आप इस दिन जल्दी कर्ज उतारने के टोटके का इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए इससे टोटके के इस्तेमाल से आपके जीवन भर के सारे कर्ज उतर जाएंगे और आपको फिर कभी कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस टोटके से आपके धन के नए स्रोत भी प्राप्त होंगे मित्रों। शनिवार की शाम सूर्य अस्त होने के बाद एक काले रंग के चौकोर कपड़े या एक रुमाल में एक मुट्ठी काले उड़द की दाल और 11 काली मिर्च। और मित्रों आपको क्या करना है ध्यान से सुनना है, एक मुट्ठी काले उड़द लेने हैं, उसके बाद 11 लौंग और मित्रों एक हल्दी की गांठ को डालकर इस कपड़े को बांध कर इसकी एक पोटली बना ले और इसे अपने घर के हर कमरे में एक बार घुमाएं। और इसको पोटली को घुमाते समय ओम हनुमंते नमः मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। अब इस पोटली को अपने घर से बाहर ले जाकर किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें।
कर्ज उतर जाएगा, कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो की समाप्ति अब यहीं पर होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मित्रों जय शनिदेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगले राशिफल की वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों जय श्री महा।